हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? यशो भाई, आपसे बात हुई ना, आपने कहा 5 मिनट बाद फोन करो। जी, ये बात कर सकते हैं? आपको फारिग हो अभी? हाँ, नाम बताइए ना। मेरा नाम महबूब है, गुजरात अहमदाबाद से। जी बोलिए। सर, मैं कुछ पूछना था हाँ, आपसे। आपकी एक ऑडियो सुनी, जिसमें आपने कहा कि जो पूछना है पूछ सकते हैं एक शख्स से बात करते हुए। तो जी आपने कहा कि एलिजी से जो भी पूछना है, दीन का मसला, दुनिया का मसला, जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो मुझे कुछ नमाज के तालुक से बात करनी जी थी। ये जो मर्द औरत की जो नमाज का जो है, ये एक है नमाज जी, इस पर वो दलील क्या देते? इस पर के एक नमाज, मर्द और औरत की नमाज एक होगी, फर्क नहीं होगा कुछ भी। देखिए, औरतों और आदमियों की नमाज, अगर कोई कह रहा है कि अलग अलग है, तो रूटीन से हटके मेरे भाई वो बात कर रहा है ना। तो जो मेरे भाई ये इख्तलाफ की बात कर रहा है कि नहीं, दोनों की नमाजों में मतलब इख्तलाफ है, औरतों की अलग नमाज है, मर्दों की अलग है, तो उसको साबित करना पड़ेगा ना। क्योंकि भाई जो दावा है, दावा उसका हो गया, तो अब जो दलील है वो उसको देना पड़ेगा। तो वो कोई एक हदीस हमको बता दे कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि भैया तुम सहाबा ऐसे नमाज पढ़ो और सहाबिया तुम मतलब वैसे नमाज पढ़ो। अगर औरतों मर्दों की जो नमाज में जो फर्क है वो अल्लाह के नबी ने अगर वाकई मेरे में अगर कहा हो तो मानने के लिए तैयार है, हमें क्या दिक्कत है। देखिए, आपका मोटिव क्या इसके बारे में? यानी हमारा तो वही है जो मेरे भाई सहाबा सहाबिया का था, क्या मौका सभी दोनों बताइए की आपकी नमाज। एक ही देखिए, नमाज। नमाज का जो मतलब जो तरीका है बेसिक, जी वो औरतों का, मर्दों जी का, बूढ़ों का, जी बच्चों का, जवानों का, सबका एक ही है। तो आपको भाई मैं ही पूछना, यानी कुछ सर कोई हदीस पाक हो या कोई दलील होगा ना सर? ये तो रूटीन है ना। अरे नहीं, जैसे यानी इस पर कोई दलील तो है कि भाई अरे हदीस भाई, की बिना अब पर 5 टाइम या की नमाजें मेरे भाई फर्ज है उम्मत के ऊपर, ठीक है। तो इसमें औरतें भी आ गई, आदमी भी आ गए। अब कोई कहे कि नहीं औरतों के ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है, इसकी कोई मतलब हदीस है, दलील है, तो ये बात उसकी मेरे भाई एकदम फालतू हो गई ना। रूटीन से जो हट के बात करेगा, दलील बात उसको देना पड़ेगा। वैसे ही नमाज है। अल्लाह के नबी ने जैसे पढ़ी है वैसे सबको पढ़ना है, चाहे आदमी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, ठीक है, कोई भी हो, नमाज तो वैसे पढ़ना है ना। तो ये कुरान में अल्लाह फरमा के लगा दुकान लकों की रसूल हसना, ये हुक्म मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए है। हाँ, जो बेहतरीन भाई जो नमूना है, आइडियल है, हाँ बस जी वो अल्लाह के नबी जी है, वो औरतों के लिए भी है, आदमियों के लिए भी है। तो भाई ये हुक्म जो है इबादत के अंदर भी है कि फिर जैसे कि खाने सोने के तरीके के अंदर नबी के तरीके में इंसान करे, या इबादत भी सारे सब कुछ आ गया उसमें? क्या हाँ, टोटल जो दीन है, बात जी दीन में जो भी जी चीजें हैं वो हाँ आदमी के लिए औरतों के लिए सेम है, लेकिन जो मसले हाँ मसाइल हैं उनमें फर्क है। अच्छा, वो अब तो जैसे मसाइल है आदमी है, तो अरे आदमी खड़े होंगे होके पेशाब कर सकता है, लेकिन जो औरतें हैं ना। वो उनको बैठ के करना है। अच्छा, अब हाँ, वो नहीं कर तो सकती खड़े होके, क्योंकि भाई अभी उनकी मेरी जो एक चीज बनावट है वो आती अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि है। हाँ अगर ठीक औरतें खड़े होके पेशाब करेंगी तो जो मतलब जो छींटे हैं पेशाब की, उससे भाई वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अपने आप को अच्छा, बचा नहीं पाएंगे। तो नहीं तो असल में जैसे हज के मौके पर अभी हज करते हैं, ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया किया वास्ते जैसे की अल्लाह के सफा नबी मरवा पे ने बोल लगाई अपनी है। हाँ बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हज करवाया, वैसे जी, औरतें करेंगी। ऐसे करवाया उसमें करवाया आयशा के ना और सफा मरवा पर चलना है, इसी को यदि जो जो नबी की बीवी ने किया है वो मेरे भाई उम्मत की औरतों को करना है। अभी नहीं बात चल रही है अपने मेरे भाई साथ नमाज की नहीं ना, ना,
इबादत के अंदर नमाज भी इबादत की बात है, तो वहाँ पर जो चीज अल्लाह के नबी ने खास कर दी है, देखिए जो चीज अल्लाह के नबी ने खास कर दी है औरतों के लिए, तो वो तो अलग है ना। जैसे औरतों के जब मेरे भाई वो खून आता है, पीरियड आता है, ठीक है, हैज आता है, तो औरतों के ऊपर मतलब जो नमाज है अब वो माफ है, लेकिन आदमियों के लिए ऐसा नहीं है ना। तो ये मसले मसाइल की बात है, मसाइल की बात नहीं, तरीके की बात कर रहा हूँ। जैसे हज के मौके पर कोई ऐसी वाज़ह हदीस है अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये हज पे अगर कोई औरत है अगर उसके मेरे भाई खून आ जाए हैज का, तो वो क्या करेगी? आदमियों के जैसे भाई वो करेगी हज। अब उसका स्पेशल केस हो गया ना, अलायदा केस हो गया ना। मेरी बात सुनो ना, देखिए आप कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ लें मेरे भाई, आप जो भाई नमाज है, नमाज का कयास आप कर रहे हैं हज के ऊपर, अभी हज से कयास आप कर रहे हैं जो रोजों के ऊपर, तो ये बात गलत है ना। इबादत इबादत नमाज नमाज के अंदर फर्क नमाज, ठीक से बोलो भाई, नमाज जो है मर्द औरत की नमाज के बारे में आप कहते कोई फर्क नहीं है, ठीक है भाई, जो तरीका है बुनियादी, ठीक है, हाँ, बुनियादी तैयार हो गया, सजदा हो गया, कायदा हो गया, ये सेम है, लेकिन नमाज के अंदर के जो मसले मसाइल है उनमें फर्क है। हाँ वो सी बात नहीं कर रहा, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, जिसे भी आपने कहा, तो मैंने जो कुरान की आज पढ़ी, आप कहते हैं ये हुकुम सबके लिए है, तो मैं कहता हूँ हज के मौके पर अल्लाह के बेहतरीन नमूना अल्लाह क्या है, खाली आदमियों के लिए है क्या औरतों के लिए नहीं है? तो वही तो कह रहा हूँ, तो अल्लाह के नमूने जब आप मानते हैं तो तीन साल क्यों कर रहे हैं? तो मैं ही कह रहा हूँ, तो औरतें क्यों कर लिया, तो आहिस्ता कहती ना औरतें, इसके बारे में कोई हदीस पाक मौजूद है? आवाज का पर्दा है ना, औरत का माना ही होता है मेरे भाई छुपाना पर्दा। अरे मेरे भाई तो कलिया आवाज आहिस्ता बोलती है कि सफा मरवा कर देखिए नमाज में भी, ठीक है, नमाज का जो मेरे भाई जो अरकान है तरीके हैं वो सेम है, लेकिन इमाम से अगर मेरे भाई भूल चूक हो जाएगी तो आदमी कहेंगे मतलब आदमी आवाज से उसको लुकवा देंगे, लेकिन औरतें अपने हाथों से हाथों को मतलब जो पीटती है, हाँ, तो औरतें लोग अपने हाथों से हाथों को भाई वो पीटेंगी। अरे वाह, आवाज का मसला नहीं, सफा मरवा पर तो जो सुन्नत तरीक अच्छा है। अरे अभी मैं नमाज की बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई, आप कहाँ तो भाग जा रहे हो? सफा भाई मैं आपको सफा मरवा अलग, अलग बात हो रही है ना, अलग नहीं इबादत नमाज एक ही है या अलग अलग है आपके नजदीक? पहले आप मेरे भाई नमाज पाइए वापस, फर्क है, फर्क है उसमें। तो बस एक हदीस हमको दे दीजिए, मेरे मुंह पे तमाचा मार दीजिए, बात खत्म हो जाती है। जी जी, इतनी लंबी चौड़ी बहस करना कि हज में क्या होता है, उम्रे में क्या होता है, वो सब बताइए। अल्लाह के नबी की एक हदीस हमको बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने कहा हो, ऐ आदमियों तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और ऐ औरतों तुम अपनी अकल से नमाज पढ़ो, कोई एक हदीस बता दीजिए। बात सुनो आप, अभी जैसे आपने नमाज उठाया तो ऐसी हदीस सुना दी है, तो मैं कहता हूँ हज के मौके पर ऐसी हदीस सुना, अल्लाह के नबी ने कहा और कलेगी आहिस्ता देगी सफा मरवा तो चलेगी दौड़ेगी। तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज किया है ना, तो जैसे बीवी ने किया वैसे आपकी औरतें करेंगी, ये तो बस साबित हो रही है ना। लेकिन यह नमाज के लिए क्या हुक्म दिया? नमाज के लिए कभी अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ आयशा तुम एक काम करो, तुम अपने आप से नमाज पढ़ लो, बाकी मेरे जैसे नमाज पढ़ने की कोई कोशिश ना करो, तुम तो औरत हो, ऐसा कोई सबूत हो तो आप दीजिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तो अल्लाह हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं मेरे भाई, आप हैं अंधे मुकल्लिद और खाली मेरे भाई आपने टाइम पास करने के लिए कॉल किया है, ठीक है? आपके पास तो कुछ है नहीं, मंथिक कयास आप लोग चलाते रहे तो मंथिक कयास से कुछ नहीं होना है। तो हज के मौके पर जो माहिसा की बात होगी तो हज पे बात करेंगे ना, अभी आप नमाज से काहे भागे? अरे नमाज तो आपको वहीं से मैं समझा रहा हूँ कि आप मतलब तुम्हारे वहाँ ये मामला होता है कि नमाज की बात होती है तो मेरे भी नमाज को छोड़ के हज पे भाग जाते हो, ऐसा है? अरे मैं नमाज पर बात करूंगा आपसे एक एक तरीके से, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे भाई रमजान की बात हो रही है तो आप भाग गए मेरे भाई जानवर के ऊपर कि जानवर ऐसा होना चाहिए कुर्बानी के लिए। अरे ये कौन सी बात है, बात अगर रोजे की हो तो रमजान की बात होगी ना कि मेरे भाई कुर्बानी की बात होगी। अरे लेकिन हम कयास ना तो करते हैं ना करने देते हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर आपके पास कोई मेरे भाई वाज़ह हदीस है कि नहीं? अफू भाई
अभी तो कर रहे हैं भाई, आप नमाज छोड़ के हज में भागे जा रहे हैं, आपके पर मेरे में नमाज की दलील नहीं है। मेरी बात में दलील है, अभी कुरान की आयत पढ़ूंगा, आप उसमें कयास करोगे। अरे कुरान की आयत आप ना पढ़िए, कुरान आपके लिए हुज्जत ही नहीं है ना, आपके लिए इमाम को कौन हुज्जत है ना, तो आप अपने इमाम के कौन से साबित कीजिए कि औरतों की मर्दों की नमाज अलग अलग है और उसके ऊपर दलील। दलील पर इतनी उतावल ना, दलील मौजूद है तो आपको देने में क्या दिक्कत है, पता पढ़ दीजिए ना मेरे भाई, कि अल्लाह के नबी ने कब फरमाया कि मर्दो तुम ऐसे नमाज पढ़ो और तुम ऐसे नमाज पढ़ो। फोन कट करने से पहले आपकी अगर हिम्मत हो भाई, फोन हम नहीं काट रहे, दलील देंगे नहीं, हम फोन कैसे काट देंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि मेरे आपने अपना दावा किया है कि औरतों की और आदमियों की नमाज में भाई वो अंतर है, फर्क है, इख्तलाफ है, तो उसका सबूत दीजिए। दावा है ना कि एक है, आपका भी दावा है ना एक है, तो ये तो रूटीन है ना, जब अल्लाह के नबी ने कोई फर्क ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है एक ही नमाज है। अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी को किसने भाई वो नमाज सिखाई, आप बताइए किसने सिखाई, आप बताइए, आपको नहीं पता किसने सिखाई, आप बताइए ना। अल्लाह के बंदे, ये कोई मसला जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी को किसने नमाज सिखाई बताइए जल्दी। अरे जिब्रील आए थे, नहीं आए थे तो क्या मान अल्लाह का मेरे भाई, उन्होंने खाली आदमियों की नमाज दी, मतलब बताइए। तो मैं ये तो बता रहा हूँ, आपकी अकल में मेरी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को नमाज का जो मेरे भाई तरीका था वो मेरे भाई बता दिया, उसी तरीके से आदमी औरत बूढ़ा जवान सब नमाज पढ़ते थे। अब ये तो हनफियत के मेरे भाई अंग्रेजों के दौर में आने के बाद पता चला कि औरतों के अलग है, मर्दों के अलग नहीं। अबू हनीफा तो अहले हदीस थे, उनको आप छोड़िए, मैं तो हनफियत की बात कर रहा हूँ। अबू हनीफा हनफी नहीं थे, तुमको इतना नहीं पता, या डूब मरो डूबर पानी में। चलो चलो फिर हम तुमसे कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह ने कब अपने आप को हनफी कहा, चलो इतना ही बता दो। अरे मेरी बात सुनो, मेरे भाई ये कौन सी बात है, मतलब जबरदस्ती तुम उसको हनफी बना के दो। इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह बेचारे, उनका हनफियत से कोई लेना देना नहीं है, तुमने उनको हनफी बना दिया। अरे वो तो अहले हदीस थे, उन्होंने खुद कहा कि जो सही हदीस है वो मेरा मजहब है, और जिसका मजहब सही हदीस होता है वो अहले हदीस होता है। इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह सवाल है, आप खाली सवालों के, आप सवालों की दुकान खोलने के लिए फोन की हो क्या, आपके पास जवाब नहीं है। मैंने कहा था जो पूछना है पूछो ना, की उंगली करो कील काल को, आपने कील काल किया है तो आप पहले अपने कील काल को वापस लीजिए। नहीं नहीं तो अभी आप हटके मुद्दे पर आपकी मौत निकल गई ना। अच्छा पहले आप मेरे भाई एक काम करो, आराम से सोच लो, समझ लो, ठंडा पानी पी लो, मुंह पे पानी की छींटे मार लो और फैसला करो तुम्हें बात किस पे करनी है, नमाज पे बात करनी है, रोजे पे बात करनी है, उम्रे पे बात करनी है, हज पे बात करनी है, जकात पे बात करनी है, तुम्हें किस पे बात करनी है, ये मेंढक की तरह इधर से उधर मेरे को पूछना छोड़ दो। अच्छा चलो सब छोड़ दो, मेरा एक छोटा सवाल है, ठीक है तुम मान ही नहीं। बताओ ना मेरे भाई, औरतों के मर्दों की नमाज अगर मेरे भाई अलग है तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को कैसे नमाज पढ़ने को बोला था, कैसे बोला, तुम दलील दे दो। अरे आप दीजिए ना, अल्लाह अकबर, मतलब दावा मेरे भाई खुद करेंगे, भीख में हमसे मांगेंगे दलील, आप क्या इन्होंने कुछ आप लोग को बताया नहीं है क्या, ऐसे छोड़ दिए हवा भर के। अरे हम पूरी नमाज मर्दों की सब साबित कर देंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है, देंगे ये देंगे देंगे ना करो, हो सकता है तुम्हारा इंतकाल हो जाए, मर मरा जाओ, मैयत हो जाए, तो फिर इसलिए अभी बात हो रही है, अभी दे दो ना, ये कौन सी बात होती है, हम सब कर देंगे, हम दे देंगे, हो जाएगा, ये सब बात के मैं दलील सारी दूंगा, अभी दूंगा, लेकिन मेरी पूछता अभी दूंगा नहीं, दे दो भैया, हम चुप हैं, फटाफट दलील दो। तुमसे अब तुम फंस गए हज के मौके पे, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। हज पे हम बात ही नहीं करेंगे ना, जब नमाज की बात हो रही है तो हज पे कह जाएंगे, मतलब आप पागल हो तो क्या मैं भी पागल हूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा। आप पागल हो तो क्या मैं भी पागल हूँ क्या आपकी तरह, देखो सुनो, वो आपके जो आपके आलिम का हवाला देता हूँ, कुरान हदीस अगर आपके पास हो तो बताइए, वरना टाटा बाबा इतना फालतू टाइम नहीं है। तुम्हारे उतना रट्टा लगा रहे कि अखलाक से समझेंगे कुरान हदीस के माने को, वो क्या है वो सब ढूंढता है। आप हमें मेरे भाई कुरान हदीस पेश कीजिए, ठीक है, असलाफ मेरे भाई,
अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ तो आप हद के मौके पर मुझे एक हदीस पेश कर देना। क्या जानना है मतलब, आप मेरे भाई पहले फैसला कर लो, नमाज पे बात करना है या हज पे बात करना है। हज पे बात करना है, सुन लो, अरे सुन लो मेरे, अगर आपको मेरे भाई, अगर वाकई मेरे भाई हज पे बात करना है तो फिर अब कोई मेरे भाई नमाज के ऊपर भागेगा नहीं, इस चीज का वादा करो। क्या क्या हाँ क्या बोल रहे हैं? हज पे अगर आपको बात करना है तो अब आप पहले वादा कीजिए कि अब आप इस टॉपिक से वापस मेरे भाई नमाज पे आप नहीं भागेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से बात होगी हज के ऊपर, ठीक है। हाँ तो बताइए हज के अरकान, अरकान बताइए हज के कितने हैं? मैं सब बता दूंगा, मैं क्या, अरे सब बता दूंगा। आपकी आपकी पसंद का मेरे भाई टॉपिक है, मैं आपको बार बार रोक रहा था लेकिन आप ही बार बार कह रहे हज हज हज, तो अरकान बताइए। पूछना है मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना, मेरा एक ही सवाल है। अरे हज के अरकान तो बताइए पहले, आप पहले हम देख तो लें आपको कुछ आता जाता है कि नहीं। अरे मेरे भाई अरकान कितने होते हैं? अरे अरकान कितने भी हज गिना दूंगा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह, बाकी मेरा आपसे छोटा सवाल है। हज के जो आसान से अरकान है वो भी इनको नहीं मालूम है, और ये औरतों मर्दों की नमाज पे बात करने चले आए मुंह उठा के। अरे शर्म करो यार, पहले इल्म हासिल कर लिया करो, और नहीं आता है तो हमसे बताओ, हम सिखाएंगे तुमको। बता देते हैं, तुम्हारे आलिमों ने भी तुमको आज तक मेरे भाई इतनी इल्मी बातें नहीं बताई होंगी, ठीक है। जो हज के अरकान होते हैं वो चार अरकान है, कितने अरकान है? चार। अरे मेरा अरकान नहीं जानना, मेरे पास किताबें मौजूद है, सारे किताबें मौजूद है, वो पढ़ी रहेंगी लेकिन पढ़ोगे नहीं कभी। मौजूद है, अरे मेरे पास किताबें मेरे भाई के अंदर में पढ़े हुए पढ़ी हुई है लेकिन पढ़ी हुई नहीं है, मैंने पढ़ लिए। अरे समझे, हज के अरकान आपको बता देते हैं, ठीक है। हज के अरकान होते हैं चार, अरकान नहीं, पहला होता है अल्लाह के बंदे, दूसरा होता है अरे अल्लाह के बंदे, पांच में ठहरना मेरे भाई, तीसरा होता है सफा व तीसरा होता है सफा मरवा के बीच में, ठीक है, सही करना, सही बीच में, सही अच्छा। और चौथा मेरे भाई होता है तवाफ। अच्छा, अब जो ये अहराम है, अब ये आदमी बांधेगा, औरत के लिए जो अहराम है वो सब भाई पता है आपको, भाई हर पास में आदमी भी भाई को रहेगा, औरत भी रहेगी, ठीक है। अब सफा मरवा के बीच में जो सही होता है वो औरत भी करेगी, आदमी भी करेगा, और जो तवाफ है वो भी औरत भी करेगी, आदमी भी करेगा। अब कहाँ फर्क इसमें आ गया? अल्लाह के बंदे अच्छी है, अब मैं भी पूछ रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ ऐसी फिर पूछा। अरे यार सब पूछते रहोगे, कुछ बताओगे भी, ये बताओ। अरे तुम हदीस पेश कर दो ना, सफा मरवा पर वो तलबिया के फर्क के अंदर मेरे भाई। अरे तो बता दिया, औरतों का जो आवाज है उसका भी पर्दा है, वो कभी भी, यहाँ तक कि आप तारीख में हदीसों का जखीरा उठा के देख लीजिए। अरे अगर ईदैन की जो तकबीर होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कोई भी तकबीर हो, नमाज की मेरे भाई तकबीर हो या ईदैन की तकबीर हो या शाम की आमीन बोलना हो या इमाम साहब को लुकमा देना हो, तो औरतें वहाँ पे खामोशी मेरे भाई रहती है, ये सारे मसाले नहीं पड़ती है, ये बेसिक उसूल है। अब बुनियादी उसूल तुमको नहीं मालूम है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे मैं यूँ पूछ रहा हूँ, सफा मरवा पर औरतें दौड़ेगी या चलेगी, इससे हदीस पेश कर दो। अरे अजीब पागल आदमी, ये अरकान ये चार अरकान आपका हज नहीं होगा? हाँ तो ये हदीस पेश कर दो, औरतें चलेगी दौड़ेगी नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर दौड़ना है, अब औरतें नहीं दौड़ेगी, इससे हदीस पेश कर दो, मैं हदीस बन जाऊँ, खत्म हो गई बात। औरतें क्या नहीं करेगी? औरतें दौड़ेगी अल्लाह के नबी की, क्या सही कैसे की है? सफा मरवा पे कैसे सही की है? नहीं नहीं, अभी जो आपने कहा कि औरतें मतलब दौड़ेंगी, ये औरतों, ये मेरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो दौड़ेगी। हाँ ठीक है, तो आपको नहीं मालूम तो औरतें भी दौड़ेगी, यूँ पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा आप ये बताओ, इतना लंबा चौड़ा आप इधर इधर के सवाल, आप मतलब मेन मुद्दा साबित क्या करना चाह रहे हो, चलो बता दो। मेन मुद्दा ये है कि तुम नमाज में तो फर्क के कायल नहीं हो, हज के अंदर फर्क के कायल, इसकी दलील क्या है तुम्हारे पास? मुद्दा ये हो, कुछ नहीं पूछना है, कोई हदीस शुरुआत में पूछ लिया होता, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते, ठीक है। अच्छा बता, अब आपने इतना घुमा फिरा के इतना मेरे भाई बुलवा दिया,
देखिए नमाज जो है नमाज, ठीक है, मैं नमाज का, आपने तो कहा नमाज की तरफ मत लौट जाना भाई। अभी सवाल आप ही ने किया ना कि नमाज में फर्क क्यों है और हज में क्यों नहीं है, तो जाहिर सी बात है नमाज का भी जवाब देंगे ना, नमाज का क्या जवाब देंगे। अरे तो जब देने जा रहा हूँ तो बीच में टूक तो अजीब मन चला। चलो सुना, चलो सुना, फिर मैं भी बोलूँगा आप ही सुनना। देखिए जो नमाज है, नमाज अल्लाह के नबी के सामने औरतें भी पढ़ती थी, आदमी भी पढ़ते थे। नबी ने कभी नहीं बताया कि इनमें कोई नमाज का जो तरीका उसमें कोई फर्क है, इसलिए हम मानते हैं नमाज में कोई फर्क नहीं है औरतों मर्दों की। लेकिन जो हज है, हज में अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ जाके हज किया, तो जो कंडीशन सेम है वो मेरे भाई मियां बीवी ने एक साथ किया, और जिनमें फर्क है वो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से करवा के बता दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हज है वो भी सेम है, बाद जो मसले मसाइले उनमें फर्क है, और जो नमाज है, नमाज का जो बेसिक तरीका है वो सेम है, उसमें जो मसले मसाइले उनमें फर्क है। जैसे आदमियों की नंगे सर भाई वो हो जाएगी नमाज, लेकिन औरतों की नंगे सर होगी नहीं। आप समझ रहे, ये मसले मसाइल है, ये नमाज में कोई फर्क नहीं है। नमाज में फर्क तब होता है जब मेरे भाई जो कयाम है और जो उसके बाद जो रुकू आता है, फिर कायदा आता है, फिर सजदा आता है, उनमें फर्क अगर होता तो हम कहते हैं हाँ भैया औरतों मर्दों की नमाज एकदम अलग है, लेकिन सब कुछ सेम है, खाली मसले मसाइल का फर्क है। लेकिन आपके नजदीक तो पूरी नमाज ही अलग है, औरतों की नमाज अलग है, आदमियों की अलग है। औरतें सीने से हाथ बांधेंगी ताकि उनकी छाती जो है भाई वो ढक जाए, आदमी नाव के नीचे हाथ बांधेंगे। ये फर्क आप कहाँ से लेके आए?